गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल यादव। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल। ओके, सॉइल नया चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने। चैप्टर 8 तक पूरा पढ़ रखा है, बट कुछ जो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है वो आप ऑनलाइन क्लासेस से पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज मैं जल्दी सेंड कर लूँगी। मैं अभी हम बात कर रहे हैं सॉइल की। सॉइल एक नया चैप्टर है। सॉइल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं मिट्टी। भाई मिट्टी ही को हमारा जो भी है इसको बोलते हैं सॉइल। सॉइल का काम क्या होता है? सॉइल अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, यानी कि जमीन पे जो पाया जाता है वो होता है मिट्टी। मिट्टी ही जमीन को बनाती। कह सकते हैं कि जमीन ही, हम उसको सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जिससे फॉर्मेशन हुआ है जमीन का वो होगा मिट्टी। ठीक है, अभी हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस होता है हमारे लाइफ के लिए, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब कैसे सर्वाइव नहीं कर सकते? अगर ज़मीन नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, तो प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्लांट, ठीक, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? खाना नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब यह है कि प्लांट का हमारे जीवन से क्या मतलब? हम तो अगर सपोज हम लोग कॉर्निवर्स, हम लोग जानवर को खा लेते, तो बता दो कि जानवर भी उसी प्लांट पे निर्भर हैं अपने खाने के लिए। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर प्लांट मरेगा तो हम लोग भी मरेंगे। और ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो कह सकते हैं सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉइल एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसका फॉर्मेशन कह सकते हैं कई सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है। डेब्रिस, डिकेड ऑर्गेनिज्म, ओके, फिर क्या करेंगे, कुछ प्लांट सड़गड़ जाते हैं तो भी मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। बड़े बड़े पत्थर टूट करके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रिएट्रा, वेस्ट प्रोडक्ट भी सॉइल का फॉर्मेशन करता है। तो ये कह सकते हैं इन सभी चीज़ों को रिसाइकिल मोड पर, जैसे जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो मिट्टी में ही जाएगा और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें न्यूट्रिएंट मिला होगा जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सॉइल का फॉर्मेशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं जो बड़े रॉक को छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए सबसे एक लाइन में अगर पूछेगा कि हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म द सॉइल, तो हमारा सीधे सीधे आंसर होना चाहिए बाई द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस क्या होता है? रॉक का टूट करके छोटे सॉइल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना ही वेदरिंग कहलाता है। यानी पत्थर होगा, पत्थर पे हवा चला, पानी गिरा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार हवा तेज चली या फिर बहुत चीज़ें इस पर प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर पड़ा, ठीक, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा और सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज कंसिडर्ड टू बी कॉल्ड वॉट? वेदरिंग। इसको बोलेंगे वेदरिंग। वेदरिंग ही कंसीडर करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, रॉक मटेरियल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, जितने पत्थर वगैरह होते हैं कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बात करेंगे कि इसमें कई सारे सड़े गड़े प्लांट और एनिमल भी होते हैं, ये सभी मिट्टी में मिले होते हैं, इनको बोलते हैं ह्यूमस। और ये ह्यूमस रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कह सकते हैं कि सॉइल की उपजाऊता, या फिर कह सकते हैं कि सॉइल फर्टाइल है। ये किस पे डिपेंड करता है? उसमें कितना ह्यूमस पाया जाता है उससे पता चल जाएगा कि कितना वो फर्टाइल है। फर्टाइल होने का और भी रक्षण है उसमें, कह सकते हैं कि उस लैंड पर हम खेती कर सकते हैं और अच्छा एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, यानी ईल्ड हम लोगों की ज़्यादा हो सकती है। यानी कि जो उपजाऊ अगर सॉइल होगा तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम खेती कर सकते हैं। खेती करने द सेंस इज दैट हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा खेती करने के बाद, हमें जो भी मिल रहा है आउटपुट, वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर सपोज वो उपजाऊ नहीं होगा तो आप खेती जितना कर रहे हो उसकी यील्ड उतनी ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट क्लियर होगा उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग प्रोसेस से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ और प्लांट लाइफ, या फिर कह सकते हैं सभी के लिए सर्वाइवल के लिए सॉइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया आपको कि इसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ को, डेड और डिकेज जो बनता है, फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये ब्लैक कलर का पाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है प्लांट डेवलपमेंट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।